सो फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। आज ब्लॉगिंग शुरू हो रही है मेरी शॉपिंग से, क्योंकि कुछ सिचुएशन में चेंजेस आए हैं वो मैं बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, तो बने रहिएगा मेरे वीडियोस में आज लास्ट तक देखिएगा। आज कुछ हमारे घर में आपत्तिकालीन स्थितियाँ आ गई हैं, जिस वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं, वो क्या है वो बताते हैं लास्ट में वीडियो के, तो बने रहिएगा। अभी तो मैं शॉपिंग करने आई हूँ और पहले कर लेते हैं जो जो लेना है याद कर करके, क्योंकि माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, तो जल्दी से याद कर करके ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि क्या क्या लिए हैं क्या क्या नहीं है। बने रहेगा आज मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे, और नए व्यूअर्स वो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है। तो फैमिली मैं शॉपिंग शुरू कर रही हूँ, सबसे पहले सोनार के आई हूँ, क्योंकि जब मेरी नंद की शादी रहेगी तो मुझे कन्यादान करना है उनका, तो कन्यादान के लिए कुछ लेने आई हूँ, देखते हैं कि क्या लेते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो बस अभी आके बैठे हैं, वो अभी बिजी हैं, तो देखते हैं कि अभी क्या लेते हैं। बाज़ार करके घर आ गए हैं और सिंघारा लाए थे, आज प्रदोष व्रत है, तो प्रदोष की वजह से कुछ खा नहीं सकते हैं। और इस वजह से सिंघाड़ा लाए थे, केला लाए थे, वो खा रहे हैं, मुँह में बुरी तरीके से छाला निकला हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आजकल मुझे ये कौन सा रोग पकड़ा है कि मेरे मुंह पे आए दिन छाला हो जा रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हमेशा पता नहीं आपसे झूठ बोल रही हूँ, बट मैं सच बता रही हूँ, इस तरीके से छाला निकला हुआ है कि मैं बोलने में मैं एकदम असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी आपका प्यार है जो मुझसे बुलवाता है और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और करूँगी भी, क्योंकि ये मेरी जॉब है आपको खुश रखना। सो इस वजह से अभी सिंघारा खा रहे हैं, और अजीत की नीचे से फरमाइश आ गई है, क्योंकि पापा आजकल दुकान पे बैठ नहीं पा रहे हैं, दुकान पे होते नहीं हैं, इस वजह अजीत की फरमाइश है कि अभी पकौड़ी बना के। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जा रहे प्रदोष है, लेकिन उनके लिए कुछ फल बनाते हैं खाने के लिए, आलू की पकौड़ी बनाने जा रहे हैं, और चलते बनाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हाय, तो फैमिली मैं आ गई अपने किचन में अगेन। सो पहले मैं सोच रही हूँ कि शाम को सब्जी क्या बनेगी, क्योंकि आज मम्मी नहीं है, सब्जी उब्जी बनना क्या है ये डिसाइड मम्मी ही करती है, बट मम्मी नहीं है। ये गार्नियर का कलर है, दीदी को करना है, इसको रख देते हैं यहाँ पे, और फटाफट मैंने सोचा है कि घुइयाँ रखी हुई है तो घुइयाँ की सूखी सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो पहले मैं घुइयाँ उबालने के लिए रख देती हूँ, तो फटाफट पहले किचन के कुछ कामों को निपटा लेते हैं, फिर आते हैं।
फैमिली सारे काम वाम हो गए और बस अब हम बैठ गए हैं, बच्चों को सिला रहे हैं। रिद्धि देखिए लेट चुकी है, वंशु भी उधर गया, अभी आ रहा है, वो भी सो जाएगा क्योंकि कल वंशु का ऑडिशन है। दीदी को ग्लू छुपा दिया और दीदी को मिल नहीं रहा है ना, इसलिए ठीक। तो वही ग्लू देने गया था, आ गया है, वो देखिए खुरापात कर रहा है। तो कल है वंशु का ऑडिशन, तो इस वजह से कल इनकी है, देखिए क्या कल्याण होता है वो तो समय बताएगा। तो आज का दिन कंप्लीट हो गया और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ मेजर चेंजेस आ रहे थे हमारे यहाँ, जिसकी वजह से आज मैं मतलब तत्काल में शॉपिंग भी गई थी। तो प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि दीदी की जो मेरी दीदी सासू माँ हैं उनकी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, तो ऐसा लग रहा था कि शादी की डेट कुछ चेंज होगी, तो इसलिए हम लोगों को जो शॉपिंग मतलब मेरी जो बच गई थी मैंने सोचा लाओ जल्दी से कर लेते हैं, नहीं तो फिर हो सकता है कि अगर जल्दी होगी या कभी भी होगी तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं हमेशा नहीं निकल सकती घर से, इस वजह से मैं निकल गई थी। और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनकी दादी सासू माँ की तबीयत बिल्कुल अब सही है, मतलब बिल्कुल सही नहीं है बट ठीक है, तो अब ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जो जैसा डिसाइड है वैसा ही होगा। तो 9 तारीख को मेरी नंद की इंगेजमेंट है, तो बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तो कल का भी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज जैसे मेरे ब्लॉग को पूरा देखा कल भी जरूर से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मुझसे बोला बिल्कुल नहीं आ रहा है, दाग मतलब छाले इतनी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे कि मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, इस वजह से आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँ, कल मिलूंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।